भाई आप में से मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फायरबोल्ट की एस्ट्रॉइड लॉन्च हो चुकी है, उसकी वीडियो कब आएगी। तो भाई आ गई है उसकी वीडियो। और ये जो वॉच है, कुछ टाइम पहले हमने अपने चैनल पर एक वॉच की वीडियो डाली थी फायरबोल्ट की, साइक्लोन। और इसकी जो लुक है ना, काफ़ी हद तक मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये वॉच भाई उससे काफ़ी डिफरेंट है। उस वॉच में ना भाई मतलब बहुत सारे अननेसेसरी फीचर थे, और उसका जो डिस्प्ले था ना वो आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता था। इस वॉच में आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। यही एक चीज मुझे साइक्लोन में सही नहीं लगी थी, उन्होंने यहाँ पर इसको सॉर्ट कर दिया है। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। इसके सारे फीचर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर पहना हुआ है। तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो, और इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो देख सकते हो फायरबोल्ट एस्ट्रॉइड के मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएंट है, एक सिल्वर है और एक आई थिंक ब्लैक कलर है। और ये जो सिल्वर वाली है ना, इसी को मैंने यहाँ पर पहनकर यूज करना शुरू कर दिया था। तो इसको रखते हैं साइड में, ब्लैक वाली को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हो काफी लंबे से बॉक्स में ये वॉच आती है, और इस वॉच में आपको यहाँ पर 1.43 इंच का राउंड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और देख सकते हो वॉच की जो लुक है वो कुछ ऐसी ही है, सिमिलर ही आपको मिलती है जैसे फायरबोल्ट साइक्लोन मिलती थी, एप्पल वॉच अल्ट्रा का सर्कुलर वर्जन समझ लो इसे। उसके अलावा वॉच के साइड में भी इसके कुछ मेन फीचर लिखे हैं, तो वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और पीछे भी इसके जो फीचर्स देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करके वॉच में आपको दिखा देता हूँ। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आती है। इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक रैपर है उसको हटा देते हैं, और इसकी जो लुक है देख सकते हो ये भाई कुछ इस तरह से मिलेगी। एक बार इसको साइड में रखते हैं। बाकी जो बॉक्स में आपको यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है पोको कनेक्टर पिन वाली। और उसके बाद हमेशा की तरह कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी इन्फॉर्मेशन और ये यूज़र मैनुअल है। तो भाई ये इसके बॉक्स के कंटेंट है। और फायरबोल्ट जो साइक्लोन थी ना उसमें आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर दिया हुआ था, यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जर है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच के बारे में। तो सबसे पहले तो इस वॉच की जो लुक रहती है ना वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है जो एप्पल वॉच अल्ट्रा से। वो सिर्फ स्क्वायर में आती है, ये सर्कुलर डिस्प्ले में आती है। अगर आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा पसंद है, सर्कुलर एक डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहते हो ना, तो इस तरह की जो लुक है ना मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें ना फायरबोल्ट साइक्लोन से, जो दिखने में काफ़ी सिमिलर है, तो देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों ही जो वॉचेस हैं सेम ही लगती है। लेकिन जो फायरबोल्ट साइक्लोन में 1.6 इंच का डिस्प्ले था, यहाँ पर आपको 1.43 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। लेकिन साइड बाय साइड कर कंपेयर करूँ देख सकते हो काफ़ी सेम ही है। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पर आपको नोटिस होगा कि इसमें आपको एक जो ऑरेंज एक्सेंट वाला एक बटन दिया हुआ था फायरबोल्ट साइक्लोन में, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा फायरबोल्ट एस्ट्रॉइड में। फायरबोल्ट साइक्लोन में जो शॉर्टकट बटन था, लेकिन शॉर्टकट बटन यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। लेकिन भाई फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता था, इस वॉच में आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। तो उसको मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जैसे बताया यहाँ पर आपको एक जो रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है, एक शॉर्टकट बटन आपको मिलता है जो यहाँ पर है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल आपको दी हुई है। पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर। और इसके जो स्ट्रैप्स हैं सेम ही जैसे आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलते हैं कुछ इस तरह से। और मुझे ये जो स्ट्रैप्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, और मैंने इस वॉच को ना मतलब एक दो दिन से पहना हुआ है और किसी तरह से डिस्कम्फर्ट वगैरह नहीं होता है। तो ये इसका ब्लैक वेरिएंट है, काफ़ी सही लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक सिल्वर वाला जो वेरिएंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। और इसकी लुक भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी लग रही है, और पूरी आपको मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, सॉलिड यहाँ पर बिल्ड है इसकी। लेकिन बात करें भाई इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, क्योंकि इस वॉच में आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। और यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले भाई बहुत ही ब्राइट है वैसे, तो मैं एक बार इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस मैंने इसकी कम कर दी, लेकिन स्क्रीन जैसे आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही होगी, लेकिन ये सिर्फ कैमरे में दिख रही है, असली में ऐसे नहीं है। लेकिन इसके यहाँ पर इसका जो वॉच फेस चेंज करें, तो इसके जो रोटेटिंग क्राउन से चेंज कर सकते हो। और जैसा था इसमें आपको जो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो एमोलेड डिस्प्ले है तो काफ़ी डीप ब्लैक्स और काफ़ी पंची से कलर है। इस डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको काफ़ी हाई मिलती है, 466 पिक्सल के रेजोल्यूशन है, तो भाई बहुत ही शार्प डिस्प्ले है। और ब्राइटनेस भी यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है, इंडोर हो आउटडोर हो किसी तरह से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया, तो ये डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्राइटनेस वगैरह जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। डिस्प्ले पहली चीज़ है जो इस वॉच में आपको काफ़ी बढ़िया मिल रही है, जो यहाँ पर फायरबोल्ट साइक्लोन में नहीं थी। और यहाँ पर अगर मैं इसका जो इसे टॉर्च वगैरह जलाऊँ, तो देख सकते हो इस वॉच में आपको बेजल्स थोड़े बहुत यहाँ पर देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली। बाकी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, वॉच फेस कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीन जो है इसको होल्ड करके भी आप अलग अलग जो वॉच फेसेस यहाँ पर लगा पाओगे। बाकी इसके ऐप में भी जाकर आप यहाँ पर बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी बड़ी सी लाइब्रेरी है। या फिर अपनी कोई फोटो वगैरह लगानी हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। लेकिन अगर इस वॉच के फीचर्स की बात करें, तो वो यहाँ पर आपको फायरबोल्ट साइक्लोन से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। फायरबोल्ट साइक्लोन में ना बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी फीचर्स हैं, कुछ ऐसे फेक रीडिंग भी आती थी वहाँ पर, लेकिन इस वॉच के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो उसे चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे, नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे, टॉगल बटन्स हैं जहाँ पर सेटिंग है, ब्राइटनेस है, या फिर जैसे मेन्यू स्टाइल भी आप यहाँ पर अलग अलग चूज कर सकते हो, तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा होम स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड है, तो एक्टिविटी के ऑप्शन हैं, और ये जैसा आप देखते हो और जो स्वाइप करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, हिस्ट्री वगैरह।
उसके बाद स्वाइप करेंगे तो स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये ऑप्शन दिए हैं जिसको पहनकर चेक करेंगे। वेदर की इन्फॉर्मेशन है तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ का आपको फोरकास्ट भी दिख जाएगा 7 डेज़ का, और सनराइज सनसेट है। उसके अलावा फ़ोन कॉल के ऑप्शन है तो इनको भी चेक करेंगे। फेवरेट में यहाँ पर प्लस के बटन टैप करोगे तो और भी शॉर्टकट कार्ड ऐड कर सकते हो, जैसे कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो ये इसके शॉर्टकट कार्ड हैं। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये इसके रीसेंट ऐप आपको दिख जाएंगी। AI वर्जन का ऑप्शन है, मेन्यू एक्सेस करने के लिए इस पर टैप करना है, और मेन्यू कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है लिस्ट स्टाइल में, जैसे बताया अलग अलग जो मेन्यू स्टाइल है आप चेंज कर सकते हो। तो ऊपर से जाकर यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिया है तो ये लिस्ट स्टाइल है। उसके अलावा ये कुछ अलग अलग 4 ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वैसे इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 8 मेन्यू स्टाइल, यहाँ पर मुझे 4 ही दिख रहे हैं, बाकी मुझे यहाँ पर नहीं दिखे हैं। देख सकते हो यहाँ पर 8 UI स्टाइल स्विच लिखा हुआ है, लेकिन इस वॉच में जैसे ये लिस्ट स्टाइल है, उसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा और वापस से लिस्ट स्टाइल पे आ गए, तो सिर्फ 4 ही यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप इनको चेंज कर सकते हो। और इस मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्टिविटी के ऑप्शन दिए हैं, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, फोन कॉल के ऑप्शन है, एक्सरसाइज यहाँ पर आपको 85 के करीब इनबिल्ट जो आपको स्पोर्ट्स मोड दिए होंगे, प्लस के बटन में टैप करके और भी यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे, तो ये कुछ कैटेगरीज रहेंगी। उसके अलावा एक्सरसाइज रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर, SpO2, वेदर, मैसेज, शटर, प्लेयर, सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में डिस्प्ले, वाइब्रेशन, रिंग, D&D, लो पावर मोड, फोन कॉल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमने जैसे देखा। सिस्टम में जाएंगे तो रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट वाले ऑप्शन आपको दिए हैं। लेकिन इसके अलावा AI वर्जन मोर में जाओगे तो आपको मोर में यहाँ पर टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फीमेल्स के लिए अगर मैसेज साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, फाइंड फोन का ऑप्शन है, तो ये कुछ और मेन्यू है। तो देख सकते हो इस वॉच के जो फीचर्स वगैरह ना काफ़ी डिफरेंट है फायरबोल्ट साइक्लोन से, और मेरे को लगता है यहाँ पर बेटर आपको जो ऑप्शंस वगैरह दिए हैं उसमें बहुत सारे बेकार के जो अननेसेसरी आपको फीचर्स दिए हुए थे, यहाँ पर जो मेरे को लगता है काम के हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और UI वगैरह भी जैसा आपने देखा बहुत ही मुझे स्मूथ लगा है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो आपको हेल्थ रेट फीचर मिल रहे हैं, हार्ट रेट, SpO2 और कॉलिंग का फीचर मिल रहा है, तो उसको भी चेक करके यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पहनने के बाद इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, और ऑब्वियसली भाई बहुत ही अच्छी खासी लग रही है, जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा रहती है, स्क्वायर में यहाँ पर राउंड डिस्प्ले, और पर्सनली मुझे ना राउंड डिस्प्ले इस वो डिज़ाइन में मुझे काफ़ी सही लग रहा है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है वैसे ये वॉच, और काफ़ी कंफर्टेबल भी है, स्ट्रैप्स इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी स्ट्रेची से हैं, तो ये सही है। लेकिन जल्दी से भाई इसका हार्ट रेट वगैरह भी यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हार्ट रेट है उस पर टैप करेंगे, और मैं अपनी फिंगर पे ऑक्सीमीटर लगा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, कभी कभी ना यहाँ पर रीडिंग देने में ये थोड़ा सा देर लगाता है, कभी कभी कुछ एरर भी आ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे देख रहे हो ये मेजर कर रहा है, और अभी यहाँ पर ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है 92 बीट पर मिनट, वॉच यहाँ पर कैलकुलेट कर रही है, तो देख लेते हैं कितनी रीडिंग दिखाता है। तो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे है 91, यहाँ पर भी दिखा रहा है 91 में दोनों वॉचेस में और ऑक्सीमीटर में दिख रहा होगा, तो काफ़ी यार क्लोज सी रीडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वॉच में, तो ये सही है। लेकिन उसके अलावा इसमें आपको जो BP का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ऑक्सीमीटर को चेक करेंगे, तो इसको भी मैं ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेता हूँ। वैसे ऑक्सीमीटर में इस टाइम पर दिखा रहा है 97%, और वॉच यहाँ पर कैलकुलेट कर चुकी है अभी, और यहाँ पर दिखा रहा है वैसे 98%, 99%, 97%, और ऑक्सीमीटर के लिए ना इस वॉच में आपको यहाँ पर रेड सेंसर मिल रहा है। बाकी ऑब्वियसली बात है इसमें आपको BP का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वॉचेस में मैं BP पे रिलाय कभी भी नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर BP का ऑप्शन दिया तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और इसने मेरा जो BP बताया वो बताया 115/74, नीचे देख सकते हो कुछ रेंज वगैरह है लास्ट हिस्ट्री वगैरह के हिसाब से, लेकिन मैंने जैसे बोला भाई ज़्यादा इस पर रिलाय मत करना। बाकी यहाँ पर ये जो वॉच है हवा में किसी तरह से कोई रीडिंग नहीं देती है, तो देख सकते हो किसी तरह से यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। इवन यहाँ पर अगर टेबल पे रख के भी मैं चेक करूँ तो भी यहाँ पर हर बार एक एरर शो कर देता है। तो यहाँ पर आपको वेल डिटेक्शन वाला फीचर इस वॉच में दिया हुआ है, और इसकी जो एक्यूरेसी है ना, चाहे स्टेप वाइज हो चाहे हार्ट रेट वगैरह हो, तो वो मुझे यहाँ पर जो फायरबोल्ट साइक्लोन से काफ़ी बेटर लगी थी। लेकिन अब जल्दी से इसमें आपको जो कॉलिंग का फीचर मिलता है तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ, और इसका स्पीकर का वॉल्यूम चेक करेंगे वो कितना लाउड है, और जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी लाउड है। मैं फ़ोन काट देता हूँ, तो इंडोर हो आउटडोर हो किसी तरह से सुनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। माइक की क्वालिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, और किसी तरह से यहाँ पर सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी क्लियर रहती है अगर इस तरह से आप हाथ रखकर बात करते हो। तो कॉलिंग वाइज ये जो वॉच है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन रहती है, और ये जो वॉच है रिंग कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है, और इसको मैं यहाँ पर साइलेंट कर सकता हूँ आई गेस, हाँ तो साइलेंट हो गया है। उसके अलावा कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, तो उठा लेते हैं, और उठाने के बाद हमने ऑलरेडी ऑप्शंस देखे थे तो काट देते हैं। और SMS नोटिफिकेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहती है, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट दोनों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इमोजी का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये है फायरबोल्ट एस्ट्रॉयड, और फायरबोल्ट साइक्लोन से यहाँ पर आपको जो फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं काफ़ी बेटर मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो काफ़ी बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले आपको दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो वॉच है मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लगी। फायरबोल्ट साइक्लोन आई थिंक 2500 रुपये में थी, उसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये जो वॉच है 3000 रुपये, और इसमें आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। लुक एग्जैक्टली सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
तो मुझे यहाँ पर ये जो वॉच है भाई, इसकी लुक, यहाँ पर इसके फीचर्स और डिज़ाइन वगैरह मुझे काफ़ी सही लगे। और अगर आपको एक एमुलेट स्मार्ट वॉच चाहिए एप्पल वॉच अल्ट्रा की, मतलब सर्कुलर जैसे वॉच शेप वाली, तो मुझे लगता है आप ये जो वॉच है इसे कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अगर आपने इस वॉच को परचेज करना होगा तो इसका जो लिंक है आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आपको कैसी लगी ये फायर बोल्ट एस्ट्रॉयड, या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार। We'll be right back.